लालकुआ विधानसभा अंतर्गत बिंदुकता राजीव नगर की कार रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में भाजपा शक्ति केंद्र की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें पहुंचे मुख्य वक्ता के रूप में जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर आयोजित होने वाले संगठन के सालाना कार्यक्रमों की उपयोगिता रखी तथा उनको आयोजित करने के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की। उन्होंने भाजपा सरकार देश के लिए और राज्य के लिए क्यों आवश्यक है इस पर भी प्रकाश डाला और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्य तथा लागू किए जा रही योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जुट जाने के लिए आह्वान किया। कार्यशाला की अध्यक्षता शक्ति केंद्र संयोजक गिरीश जोशी ने की। पार्टी के पूरे जिले में 196 शक्ति केंद्र हैं और सभी शक्ति केंद्रों में सम्मेलन चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार क्रियाशील संगठन रहता है। प्रदेश नेतृत्व पर हम सब लोग प्रत्येक शक्ति केंद्रों के सम्मेलन कर रहे हैं। आप देख रहे हो हमारे शक्ति केंद्र पर भी अभी हमने केवल कार्यकर्ता बुलाए हैं, पदाधिकारी बुलाए हैं, इतने पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। हम शक्ति केंद्र पर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। शक्ति केंद्र में हमारे 6 जो कार्यक्रम होते हैं वो और मन की बात मने उस सब के प्रमुख बना रहे हैं। शक्ति केंद्र पर एक प्रमुख बना रहे हैं और जब ये योजना रोजना बन जाएगी तो मैं कह सकता हूँ कोई अन्य दल इसके आसपास भी नहीं पहुँच सकता, कोई चाहकर भी इतना बड़ा नेटवर्क काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता का मन है, जो विश्वास है, जो परंपरा है, वो बूथ पर रहकर कार्यक्रम करने की है। इसलिए हम अभेद्य बूथ बनाते हुए इस शक्ति केंद्रों को संयोजकों का बनाते हुए उनको लाते हुए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों को प्रमुख बनाते हुए कार्य कर रहे हैं। आज बिंदुखत्ता में भी यही कार्यक्रम हमारा है, इसके बाद एक दूसरे शक्ति केंद्र में है। मैं कह सकता हूँ आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी 57 नहीं 60 से ज़्यादा सीटें लेकर आने वाली है।